ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है, 100% चैलेंजिंग क्वेश्चन है मेरे प्यार बच्चों, बताइए। ये 100% चैलेंजिंग क्वेश्चन है मेरे प्यार बच्चे, ये 100% चैलेंजिंग क्वेश्चन है, 100% चैलेंजिंग क्वेश्चन है। तांडव हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर अगर तुम बता दोगे तो, तांडव। बताइए भाई, चैलेंजिंग क्वेश्चन को किया करो यार, कम से कम पता चले ना तुम्हारे अंदर कितना दम है भाई, कितना दम रखते हो तुम लोग। गर्दा 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 मचाया करो, चैलेंजिंग क्वेश्चन को करना सीखो मेरे प्यार बच्चों, बहुत बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन है। अच्छा लगे तो दबा के लाइक और शेयर, दबा के लाइक और शेयर, गर्दा 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 दबा के लाइक और शेयर ठोक दिया करो महाकाल के आशीर्वाद से, शाबाश। लौंडे लाएंगे क्रांति, ऐसे मेरे प्यारे बच्चों। मैंने इसका ट्रिक देखो, ट्रिक से सीखो इस क्वेश्चन को, ट्रिक से सीखिए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए इसका ट्रिक क्या है, ऐसे सवालों की ट्रिक क्या होती है, ध्यान से सुनो भाई। तीन को लिखो, अगर प्लस का साइन दे रखा है तो आगे लिखता है चलो, तीन से अगला क्या होता है चार, फिर पाँच, फिर छः, ऐसा नंबर लीजिए। तीन से अगला उस नंबर पे जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना इस बात को, तीन से अगला, तीन से अगला उस नंबर पे जाएंगे जिसका फैक्टर करने पर एक का डिफरेंस मिले। जैसे कि अगला नंबर छः आया, इसकी मैंने गुणनखंड की तो इसका जो डिफरेंस मिला है सर मुझे वो वन मिला है। तीन से अगला नंबर चार, चार पे आया, फिर पाँच पे आया, फिर छः पे, छः नंबर वो आ गया जिसका फैक्टर करने पर कितने का डिफरेंस मिलेगा बच्चे, वन का डिफरेंस मिलेगा। भाई मज़ा आ रहा है तो थोड़ा सा लाइक और शेयर को बढ़ाइए भैया, कम से कम 5-6 हज़ार हो जाना चाहिए, ठीक बात है कि नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चे, अब जो आंसर जो वाई का जो वैल्यू है बेटा जी, ये जो वाई का वैल्यू जो लाई करेगा, ये वाई का वैल्यू किसके बीच लाई करेगा, ये वाई का वैल्यू 2 से 3 के बीच लाई करेगा। किसके बीच लाई करेगा मेरे प्यारे बच्चे, ये वाई का वैल्यू 2 से 3 के बीच लाई करेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन क्लास। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये वाई का वैल्यू 2 से 3 के बीच लाई करेगा, बिल्कुल सही आंसर है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जर्दा नहीं गर्दा बोलने का,